Good morning, dear students. Welcome to the online class of history. May I inform university teacher? Today is the third lecture of history. In this session, I shall describe you about chapter two, that is river valley civilization, Mesopotamia civilization. In this lecture, we discuss on various topics that are meaning of civilization, characteristic of civilization, extent of civilization sources and mesopotamian society first of all we must understand the term civilization as i had told you in the last lecture about revolution in the life of early human early men start producing food then they began thinking about new things like settled society better food better clothes and learned how to read and write and began to improve his life we can say that when men fulfill their basic needs that stage is known as civilization it is an organized form of social life culture it have unique town planning as you can understand सिविलाइजेशन क्या होता था जैसे मैं आप मैंने आप लोगों को पहले लेक्चर में बताया था लास्ट ऑप चैप्टर में कि अर्ली मैंस के लाइफ में रिवोल्यूशन हुआ धीरे धीरे उन्होंने चीज़ों को सीखा फिर वो एग्रीकल्चर करने लग गए जब वो एग्रीकल्चर करने लग गए तो फिर वो एक जगह सेटल होने लगे तो जब वो सेटल हुए तो उनके पास जब खाने की पूर्ति होने लगी तब उनके पास कुछ और नया सोचने के लिए समय मिलने लगा उन्होंने नई चीज़ों को सोचा जैसे अपनी सोसाइटी को सेटल करने के लिए कैसे रह सकते हैं कैसा खाना कैसे कपड़े उन चीज़ों को उन्होंने जाना और कैसे लिखना और पढ़ना होता है ये भी उन्होंने सीखा तो जब एक तरीके की सोसाइटी बनी उसको हम लोग सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं देन नाउ वी अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिविलाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिविलाइजेशन दे आर समेसिकेक्टरिस्टिक्स डेट आर प्रेजेंस ऑफ टाउन्स एंड सिटीज किसी भी सिविलाइजेशन सिविलाइजेशन को हिंदी में बोलते हैं सभ्यता किसी भी सभ्यता में टाउन्स और सिटीज़ का होना ज़रूरी था तो वो सिविलाइजेशन बनती थी उसमें प्रोडक्शन जो होता था सरप्लस ऑफ फूड प्रोडक्शन फूड जो था वो बहुत अच्छी क्वालिटिटी में प्रोड्यूस किया जाता था जिससे वो बाहर उसको सप्लाई करते थे उसके बाद टैड फ्लरिश्ड एंड स्पेशलाइज इन वेरियस ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ कुछ अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज़ ट्रेडिंग में मिलने लगी देन, देर आर्ट्स एंड क्राफ्ट फिर उनको आर्ट एंड क्राफ्ट में भी दिलचस्पी बढ़ने लगी उन्होंने पॉट्स बनाना शुरू किया उन्होंने पेंटिंग्स बनाई जब उन्होंने अनाज को बनाया यानी कि जब उन्होंने एग्रीकल्चर किया फ़ूड को प्रोड्यूस किया तो उनको रखना भी था उन्होंने ये सोचा किस में रखा जाए सेव करके क्योंकि ऐसा था नहीं वो एक बार में प्रोड्यूस करके उसको पूरा खा लेते थे तो उन्होंने एक न्यू क्रिएचर क्रिएटिविटी की जिसको कहते हैं पॉट उन्होंने पॉट बनाना शुरू किया इसमें वो उसमें सामान को उसमें सेफली रख देते थे जो महीनों और सालों तक रखा रहता था और ख़राब नहीं होता था तो पहले हमको ये जानना होगा कि आखिर कौन कौन सी सिविलाइजेशन धरती पर हुई इस वर्ल्ड में कौन कौन सी सिविलाइजेशन हुई तो जो मैन सिविलाइजेशन थी वो थी द इचिप्टन सिविलाइजेशन जो नील रिवर के किनारे पर हुई थी नील रिवर दूसरी थी मिशोपोटामिन सिविलाइजेशन वो हुई थी यूफ्रेटिगरेस रिवर के किनारों पर तीसरी थी चाइनीज सिविलाइजेशन डेट वॉज फ्लिश ऑन द बैंक ऑफ वांगो वांगो रिवर के किनारे पर ये बसी थी और लास्ट थी वो थी इंडस वैली सिविलाइजेशन जो इंडस रिवर के किनारे पर बसी थी अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सारी की सारी सिविलाइजेशंस केवल रिवर के किनारे क्यों हुई तो उसके पीछे भी एक कारण था वो कारण क्या था बिकॉज रिवर प्रोवाइड सप्लाई ऑफ वाटर फॉर एग्रीकल्चर मेक वाटर सॉइल फर्टाइल एंड रिवर्स वर यूज एज नेचर स्रोड क्या होता था कि बहुत बड़ी वाटर सप्लाई एग्रीकल्चर के लिए रिवर देती थी और पानी उस मिट्टी को भी उपजाऊ बनाता था अब वहाँ पर क्या हो सकता है कि सबसे ज़्यादा हमारी लाइफ में किसी चीज़ की अगर इंपॉर्टेंस है तो वो है वाटर की वाटर वहाँ पर उनको मिलता था इसीलिए वो वहाँ पर बसते चले गए रिवर्स को वो सॉइल को फर्टाइल करने के और एग्रीकल्चर के अलावा और किस तरीके से यूज़ करते थे नेचर्स रोड मतलब एक प्रकृति की सड़क जिससे वो ट्रैवल करते थे ट्रैवल करके एक शहर से दूसरे शहर जाया करते थे और ट्रेड किया करते थे व्यापार किया करते थे और रोड रिवर क्या करती थी क्लाइमेट को भी मॉडिफाई करती थी जिससे गर्मी ज़्यादा ना होकर थोड़ा कम रहती थी देन अब आप बात करते हैं मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की क्योंकि हमारे चैप्टर मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के ऊपर है सबसे पहले ये जानना होगा कि मेशोपोटामियन का मतलब क्या होता है सो मेसोपोटामिया इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मेसोस विच मीन्स मिडिल एंड पोटामोस विच मीन्स रिवर यानी कि मेसोपोटामिया उस जगह का नाम है जो जगह जो धर जमीन दो रिवर्स के दो या दो से ज़्यादा रिवर्स के बीच में होती है और मेसोपोटामिया कल्चर इज़ नोन फॉर इट्स प्रॉस्पैरिटी सिटी इस लिटरेचर मैथमेटिक्स एंड साइंस उस जमाने के मेसोपोटामिन कल्चर जो था वो क्यों माना जाता था क्योंकि वो एक प्रॉस्पेरिटी खुशहाल जीवन जीते थे वहाँ उनके साहित्य जो लिखे गए थे उनके वजह से मैथमेटिक्स की कुछ फार्मूलाज कुछ मैथमेटिशियन हुए उस टाइम में उनकी वजह से कुछ साइंस की न्यू इन्वेंशंस की वजह से मेशोपोटामियन सिविलाइजेशन को जाना जाता है अब ये बात आती है कि मेशोपोटामियन सिविलाइजेशन का हम लोगों ने कब ढूंढा था तो मेशोपोटामियन सिविलाइजेशन 150 हंड्रेड ईयर्स एगो उसके रिमेंस मिले थे यानी कि जो बचे हुए रह जाते हैं वो एविडेंसेस आर्कियोलॉजिस्ट को मिले थे आज से लगभग 150 इयर्स ईयर्स पहले अभी सोचते होंगे मेशोपोटामिया आखिर सिचुएट कहाँ है मेशोपोटामिया कहाँ था इस समय का जो इराक और ईरान कंट्री है वो मेशोपोटामिया का पार्ट हुआ करता था वो सबसे पहले वेस्टर्न एशिया में था उसके बाद उसका एरिया बढ़ता चला गया लगभग 4000 थाउजेंड ई से थेड थाउजेंड के बीच में मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन का एरिया बढ़ा और मेसोपोटामिया का जो एरिया टिग्रिस पर था वो यूफ्रेट पर बढ़ता चला गया एंड देन वहाँ पर वाटर की कोई कमी नहीं थी क्योंकि वो रिवर के किनारे था सप्लाई ऑफ वाटर एंड फर्टाइल सॉइल दीज रिवर्स वर रेगुलरली फ्लडेड सो द मेसोपोटामियन बिल्ड कैनल्स क्या था वहाँ पर आता रह मतलब बाढ़ आती रहती थी पानी बढ़ता था घटता था बारिश होती थी तो उन्होंने कैनल्स बताए थे कैनल्स किस लिए बनाए थे जिससे उनको सिंचाई करने में यानी इरिगेशन करने में कहीं जाने में या फिर प्रोडक्ट्स को इधर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट के लिए उसका वो यूज़ कर सकते थे इसका जो तो साउथन एरिया था साउथ साइड का उस रीजन को कहते थे सुमेर और उन जगह के पीपल्स को कहते थे सुमेरियंस यहाँ पर इस चीज का जिक्र क्यों किया गया इसके बारे में आपको आगे चैप्टर में पता चलेगा ये जान लेते नॉर्थ वेस्ट एरिया जो था सुमेर का उसको कहते थे बेबी लोनिया एंड अक्कड़ ओके देन अब ये सोचते होंगे कि इसके सोर्सेस कैसे मिले हमको कैसे पता चला इसके बारे में तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के लिए जानने के लिए इसका जो सोर्स था वो था आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस और लिटरेरी सोर्सेस अब आर्कोलॉजिकल सोर्सेस क्या था लाइक अ टेम्पल एंड एपिक ऑफ गिलगा ऑफ गिलगा जिसने मतलब एक बुक है गिलगामेश जिसमें मेशोपोटामिन सिविलाइजेशन के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है और भी जगह से मिली है आर्कोलॉजिकल सोर्सेज भी इसका काफ़ी बड़ा जरिया है इसकी जानकारी के लिए दैन अब बात करते हैं मेशोपोटामिन सोसाइटी की तो मैसोपोटाम सोसाइटी थ्री क्लासेस में डिवाइड थी थ्री क्लासेस कौन कौन से थे पहला क्लास था प्रेसिस्ट ऑफिसर्स और वेरियर्स का मतलब जो युद्ध करते थे जो राजा हुआ करते थे वो अपने सिविलाइजेशन के प्रोटेक्शन के लिए उनकी सेवा के लिए काम करते थे दूसरा क्लास था बिजनेसमैन और प्रोफेशनल्स एंड स्किल्ड लेबर्स का अब जो व्यापार किया करते थे या किसी में एक अलग क्वालिटी होती जैसे लोहार उगा करते थे या मजदूर जो पॉटरी बनाया करते थे क्राफ्ट्स किया करते थे उस टाइप के लोग इसके अंतर्गत आते थे और इनका काम क्या होता था कि उस सिविलाइजेशन की इकोनॉमी में योगदान रहता था इनका किसी भी मतलब पैसे कमाने में या व्यापार में अपने सिविलाइजेशन को बढ़ाने में इनका योगदान रहता था इसमें जो मेजोरिटी थी वो सबसे ज़्यादा लोग किसकी थी फार्मर्स की इसमें सबसे ज़्यादा फार्मर्स थे जब जो थर्ड थी जो सबसे लास्ट में आती थी वो थी स्लेव्स की ये लोग इन सब के लिए काम करते थे मतलब क्राफ्ट्स में ट्रेड में छोटे मोटे जो काम किया कर सक करते थे वो थर्ड क्लास के अंतर्गत आते थे देन आफ्टर अब बात आती है फैमिली लाइफ की वहाँ उस समय की फैमिली लाइफ कैसी थी तो जो उसमें जैसा आज के समय में फादर हमारी फैमिली का हेड होता है एट देट टाइम द फादर वॉज द हेड ऑफ़ द फैमिली बच्चे थे उसमें जो बॉयज़ हुआ करते थे उनको स्कूल भेजा जाता किस लिए इससे वो पढ़ना सीखें लिखना सीखें और अर्थमेटिक्स यानी कि कैलकुलेट करना कुछ नई चीज़ों को सीखते थे गर्ल्स किस लिए होती थी गर्ल्स को ट्रेंड किया जाता था म्यूज़िक एंड डांस के लिए उनको केवल डांस और म्यूज़िक के लिए ही रहता था और वुमेंस वर गिवन इम्पॉर्टेंस एंड दे हैड राइट विच वेर आर प्रोटेक्टेड अब बताती है टाउन प्लानिंग की अब टाउन प्लानिंग कैसे वो कैसे बना तो द सुमेरियंस अभी आपको मैंने बताया था सुमेर यहाँ पर डिस्कस किया था कि जो साउथर्न मोस्ट एरिया में रहते थे वो होते थे सुमेरियंस तो सुमेरियंस का डिस्कशन क्यों किया गया था अब यहाँ पर पता चलता है हमको सुमेरियंस के बारे में हमसे बात क्यों की गई थी क्योंकि सुमेरियंस वर द पायोनिट्स इन द दे डेवलपमेंट ऑफ मिशोपोटामियन सिविलाइजेशन वो पायोन मीन्स होता है किसी नई चीज़ का इन्वेंशन करना कुछ नया बनाना तो वो लोग क्या करते थे इसके अंतर्गत राजा के कहने पर जो चीफ होता था और जो किंग होता था उसके कहने पर वो उस कुछ नई चीज़ को बनाते थे आर्मी हर शहर का एक अपना कानून था और अपनी एक आर्मी थी सम्पोर्टेंट सिटीज वर् अब कुछ इम्पोर्टेंट सिटीज जो थी वो कौन कौन सी थी और उरक, लगास बेबलियन नाइन वे और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिटी ऑफ मोशोपोटामिन सिविलाइजेशन हैव रिलीड द सिटी वॉज डिडेड थ्री मैन एरियाज तीन एरियाज में डिवाइडेड था वो था द एरिया द वर्ल्ड सिटी ऑन अ माउंट और एंड आउटर टाउन जो सैकर्ड एरिया था वहाँ पर क्या था जगोरट टेम्पल था जिगरट एक टेम्पल था जो वहाँ का मेन टेम्पल था वो भगवान की पूजा करने के लिए वहाँ पर वो लोग जाते थे द टेम्पल वॉज मेड ऑफ मैनी स्टोरेज छोटे बड़े ईट पत्थरों से उसको बनाया गया था ऑफिसिस स्टोर हाउस भी वहाँ पर बनाए गए थे जिससे वहाँ जिससे वहाँ पर ऑफिसर्स वर्क किया करते थे और बहुत सी खासियत थी ज़िगुरत की इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। आज के लेक्चर में बस इतना ही आपसे बस एक ही बात कहना चाहूँगा स्टे होम स्टे हेल्दी And defeat coronavirus. Thank you.